जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में कई विभिन्न प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जैसे नर्वस सिस्टम की सेल्स अलग होती हैं, मसल सेल्स अलग होती हैं, स्किन सेल्स अलग होती हैं, ठीक उसी तरह पेड़ पौधों में भी कई तरीके के सेल्स पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेड़ केवल एक स्पेसिफिक टाइप के सेल्स से ही बना हुआ होता है। तने में अलग है, पत्तियों में अलग है, शूट्स और रूट्स में अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। चलो ये सब बातें नहीं करते हैं, एक छोटा सा ओवरव्यू ही ले लेते हैं कि प्लांट में सेल्स कितने प्रकार की पाई जाती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये बता दें कि जैसे कि ह्यूमन बॉडी में और बाकी के एनिमल्स में भी सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन पूरा का पूरा एक बॉडी बना लेता है। ठीक उसी तरह प्लांट सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यू कुछ ऑर्गन सिस्टम, यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा का पूरा एक प्लांट बना लेते हैं। तो प्लांट्स में मुख्यतः चार प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जो अलग अलग टाइप्स की टिश्यूज बनाती हैं। एक काम करते हैं, टिश्यूज को हम अगले वीडियो में जान लेंगे, अभी एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि सेल्स कितनी प्रकार की पाई जाती हैं। पहला जो सेल है एक प्लांट में जो पाया जाता है वो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स। जैसे ह्यूमन बॉडी में स्टेम सेल्स होती हैं जो डिवाइड होकर डॉटर सेल्स बनाती रहती हैं और यही डॉटर सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गन के सेल्स में डिफरेंशिएट हो जाती है, ठीक उसी तरह मेरिस्टेमेटिक सेल्स भी होती हैं। ये लगातार डिफरेंशिएट होकर डॉटर सेल्स बनाती रहती हैं और आगे चलकर यही मेरिस्टेमेटिक सेल्स तने की सेल्स बन जाती हैं, तो कहीं पर पत्तियों की, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की। ये कहां कहां मौजूद होती हैं पेड़ पौधों में, पेड़ पौधों के जड़ के बिल्कुल टिप पर, बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर जहां पर पेड़ या पौधा ग्रो कर रहा है, पौधे के सरकमफ्रेंस में जहां पर वो मोटाई में ग्रो करता है, या फिर एक छोटी सी डंडी नुमा संरचना जिससे पत्तियां तने से जुड़ी रहती हैं, इसमें भी ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं। एक दूसरे प्रकार की सेल्स होती है प्लांट सेल्स में, प्लांट्स के अंदर, वो है पैरेन्काइमा सेल। इसका काम क्या होता है, ये पौधे में मोस्ट ऑफ वर्क करती है। इसी सेल के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के बाद जो भी भोजन स्टार्च वगैरह बनता है वो इसी सेल में ही स्टोर रहता है, वाटर का स्टोरेज भी करता है ये। प्लस कहीं भी अगर पेड़ पौधा वुंडेड हो जाए, घायल हो जाए, तो वहां पर यही सेल जाकर उस घाव को हील भी करती है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेल है ये पैरेन्काइमा सेल। एक तीसरे प्रकार का सेल जो प्लांट सेल में पाया जाता है वो है कोलेनकाइमा सेल। एक ऐसी सेल जो कि शेप में लंबी सी होती है और इसका जो सेल वॉल है काफी थिक होता है, इसके वजह से ये प्लांट के स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टिफ बना देती है। जैसे पत्तियों को आप देखोगे जो एक छोटी सी डंठल होती है जो तने से जुड़ी हुई रहती है, वो काफी मजबूत सी होती है, एक स्टिफ सा स्ट्रक्चर होता है उसका। थोड़ा सा दम लगाओगे तभी ही आप उसको तोड़ पाओगे, उस पत्ती को, वो इस कोलेनकाइमा सेल के वजह से ही होता है। कितना भी तेज हवा चल जाए पेड़ पौधे कभी जनरली टूटते नहीं है, छोटे छोटे पौधे भी नहीं, क्योंकि इस कोलेनकाइमा सेल की वजह से उस प्लांट के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ मिलता है। और जैसे जैसे कोई प्लांट बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे आम का पेड़ वगैरह या नीम का पेड़ वगैरह, तो ये कोलेनकाइमा सेल ही बड़े बड़े पेड़ पौधों में एक चौथे प्रकार के सेल में इवॉल्व हो जाता है, या कहिए परिवर्तित हो जाता है। ये चौथा सेल क्या है, ये चौथा और आखिरी टाइप का सेल जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है वो है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। ये जो सेल है स्क्लेरेनकाइमा सेल, ये एक प्रकार से डेड सेल होती है। आप कभी ध्यान दिए होंगे जिन लकड़ियों से फर्नीचर बनता है पेड़ को काट के, जो तना का भाग होता है वो बहुत ही कठोर सा होता है, बड़ा स्टिफ सा होता है, ये स्क्लेरेनकाइमा सेल के बने ही टिश्यू होते हैं, डेड, बहुत ही मजबूत। ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है ये सेल्यूलोज और लिग्निन नाम के बायोपॉलीमर से बने हुए होते हैं जिन्हें ब्रेक डाउन करना बहुत कठिन होता है, कई सालों साल लग जाते हैं इन्हें डिकम्पोज होने में, इसीलिए ये बहुत ज्यादा दिन तक चलते हैं। फर्नीचर बहुत ज्यादा दिन तक खराब भी नहीं होते हैं केवल इसी की वजह से ही। ये जो स्क्लेरेनकाइमा सेल है ये प्लांट्स में दो तरीके से हो सकते हैं, फाइबर्स के रूप में जो कि प्लांट्स को और पेड़ पौधों को स्ट्रक्चर देते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं मजबूती से खड़ा रहने के लिए, और दूसरा इनके फल में मौजूद जो कि बीज होते हैं, जैसे इमली का बीज हो गया या फिर आंवले का बीज हो गया, जो कठोर कठोर बीज हैं फलों के, उन सब के ऊपर भी ये स्क्लेरेनकाइमा सेल्स मौजूद होते हैं, वही इन स्ट्रक्चर को हार्ड बनाते हैं। पेड़ पौधों में स्क्लेरेनकाइमा सेल्स फाइबर्स के रूप में पाए जाते हैं जिनसे फैब्रिक्स और फाइबर्स भी बनाए जा सकते हैं, रस्सियां वगैरह, और फलों के बीज में कठोर कोटिंग में पेड़ पौधों में फलों के ऊपर, इन सब में ये स्क्लेरेट्स के रूप में पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं मैं चारों प्रकार के जो सेल्स हैं प्लांट्स में पाए जाते हैं उनको हम इस वीडियो में समझ चुके हैं। अब हम अगले वीडियो में टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे।